Hello students, my name is Ankur Agrawal. I have done AmTech from MNIT Jaipur in 2017. After that, I am in teaching profession. I am teaching engineering mechanics and this is my fifth lecture. So let's begin. As we have till now, we have seen the condition for the trust. We have seen the assumptions. We have seen how we calculate the reaction by assuming the whole trust in equilibrium state. So let's see how the forces are acting in the member when we give some load. Okay, and I think we have seen the reaction. So in this case also, let's see that this case, this is the hinge reaction. So let me take the two reaction here. One is the vertical, one is horizontal, and over here only vertical one. This one will say this is RA, RAV, RAH, and this is RC. Okay, fir hum, what we'll do now, we will take the vertical forces zero. Vertical, if we do vertical force zero, then we will get this. RC equals to P minus P ka kya jayega P ho jayega theek hai and if we do the horizontal force summation of horizontal force zero then we will find RAH equals to zero this we have all seen in the previous lecture okay so for because of this this reaction is come out to be zero okay we have seen this so now move one step further we'll see what are the interaction of loads and the internal forces in this stress. So let me erase this because this having no effect on this stress because it's come out to be zero. Okay, so let's erase this. Let me erase this. Okay, so let's see. Right, see. If the load P is mounted at this point B, okay, so what it will do? What it will try to do? It will move this AB, it will move this AB from the B towards this direction. Okay, it will give some force in AB in this direction. Okay, jiski wajah se kya hoga? It will this member will try to move this side, right? This side idhar move karega. But this is in equilibrium state. It will not able to move. It is rigid. तो क्या होगा जो पॉइंट बी है पॉइंट बी से इसको इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स मिलेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द फोर्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम बी ठीक है क्लियर है दैट मींस जो आपके इसमें ओके देखो यहां से ये फोर्स आ रहा है ये आ रहा है इस डायरेक्शन में बट ए जो इसको फोर्स दे रहा है वो दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है अब देखो क्या हाल हो रहा है इस मेंबर का जो ये मेंबर ये है जो ये मेंबर ए बी है क्या हाल हो रहा है क्या कंडीशन आ रही है लोड की कंडीशन ये जो कंडीशन आ रही है आप खुद देख पा रहे हो इस मेंबर को इधर मिल रहा है इस साइड इसको इधर साइड तो ये कौन सी स्टेट है ये कंप्रेशन स्टेट है राइट ये कौन सी स्टेट है इस मेंबर के अंदर कंप्रेशन की स्टेट है ठीक है सेम सिचुएशन मेंबर बीसी में भी हो रही है क्योंकि तो यहां से बीसी बी से सी की तरफ लोड आएगा इस सेक्शन में और बिकॉज ये इक्विलिब्रियम है तो सी जो आपको लोड मतलब सी जो लोड देगा बी को वो देगा अपोजिट इस डायरेक्शन में तो सेम कंडीशन बी की हो रही है जो बीसी मेंबर है जो बीसी मेंबर है ये भी कौन सी स्टेट में है ये भी कंप्रेशन स्टेट में बीसी मेंबर इज आल्सो इन कंप्रेशन स्टेट ओके ये हमने देखा सो लेट सी व्हाट इज द स्टेट किस तरह का इंटरनल फोर्स लग रहा है एसी के अंदर ठीक है अच्छा लेट सी Let me erase this. I'm sorry. Okay. अब देखिए जैसे ही मैं ये लोड दिया राइट जैसे मैंने पी लोड दिया बी पॉइंट पे तो क्या होगा जस्ट अंडरस्टैंड सोचो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई नहीं है तो क्या होगा दिस सी पॉइंट विल ट्राई टू मूव दिस साइड अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन आई नहीं है मैं तब की बात कर रहा हूं ठीक है जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी मतलब जो स्टेबल हो जाएगा जैसे ही मैंने लोड दिया क्या होगा बिकॉज ये तो पॉइंट फिक्स है ये पॉइंट फिक्स है
सी पॉइंट थोड़ा सा मूव करेगा टूवर्ड्स दी लेफ्ट, वो सॉरी राइट, ठीक है, क्योंकि यहां पे लोड पड़ा, सोचो बहुत थोड़ा सा मूव करेगा। जैसे ही इधर मूव किया तो व्हाट शुड बी, मतलब एसी में कौन सा लोड जनरेट हुआ, वो जनरेट हुआ टेंसाइल, क्योंकि खींच रहा है इसको। अगर ये सी पॉइंट खींचेगा ए पॉइंट को इस साइड, तो व्हाट इट विल डू, क्योंकि ए पॉइंट तो फिक्स है, तो ए पॉइंट कहां पे फोर्स डालेगा, ए पॉइंट फोर्स डालेगा इस साइड टू मेक दिस एसी मेंबर हेयर इट सेल्फ, ठीक है। तो एसी मेंबर में कैसा टेंसाइल वो पड़ा, फोर्स पड़ा, दैट इज द टेंसाइल लोड, दैट इज द टेंसाइल लोड, ठीक है, समझ रहे हो। अब ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं, जो हम आगे व्हाट इज अवर एम टू डू दिस, ठीक है, अब समझते हैं। आपने अभी देखा कि ए पॉइंट को देखते हैं, सभी हमारा जो फोकस अभी ए पॉइंट, ठीक है, आपने अभी देखा ए पॉइंट पर जो बी से फोर्स आ रहा था वो आ रहा था इस डायरेक्शन में। व्हाई? बिकॉज बी ने ए को फोर्स दिया, जिसकी वजह से वो बैलेंस करने के लिए ए ने फोर्स दिया बी को इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बिकॉज ऑफ बी, ठीक है। सेम चीज ए का जो फोर्स का डायरेक्शन है, ए का फोर्स का डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सी, वो कैसा आया, ये आया, ठीक है, कैसा आया, ऐसा आया, राइट। थोड़ा थोड़ा उसको और उल्टा समझ लेते हैं, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बी ने ए को फोर्स दिया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसा समझो, बी ने ए को फोर्स दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और सी ने ए को फोर्स दिया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट, क्लियर। अब सब कुछ भूल जाओ, अभी हमने इतना समझ में आ गया ना आपको कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बिकॉज ऑफ बी, एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट सी बिकॉज ऑफ, सॉरी, एट ए बिकॉज ऑफ सी, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, जो मैं बोलना चाह रहा हूं ये आपने कैलकुलेट कर लिया है, बाकी सब इरेज करो, बाकी सब इरेज करो। अभी हमारा जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना है, ये दिखाना है कि क्या हम किस चीज को क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। सो जो ये फोर्स था, ये कौन सा था, कंप्रेशन था, और ये जो कौन सा फोर्स है, ये है टेंसाइल। इसको चाहे ये ले लो, चाहे इसको ऐसे ले लो, इधर ले लो, ठीक है, टेंसाइल है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, कोई भी पॉइंट है या कोई भी जॉइंट है, उसको अगर आप पुश करोगे, उसको अगर आप पुश करोगे, ठीक है, पुश करोगे, तो ये जो नेचर है लोड का वो कैसा है, दिस नेचर, ये अगर आप पुश कर रहे हो उसको, इफ यू पुश, दिस नेचर इज कॉल्ड कंप्रेशन, दिस नेचर ऑफ लोड इज कॉल्ड कंप्रेशन। और अगर आप कोई भी ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को आप क्या कर रहे हो, यू आर पुलिंग, उसको पुल कर रहे हो, लाइक दिस, लाइक दिस, और कैसे भी लाइक दिस, ठीक है, पुल कर रहे हो उसको, ठीक है, पुल कर रहे हो, तो वो नेचर क्या होगा, डेट नेचर, लाइक अगर आप पुल कर रहे हो, डेट नेचर इज कॉल्ड टेंसाइल। मोटी मोटी ये बात, ठीक है, मोटी मोटी हम ये बात याद रखेंगे, किसी भी पॉइंट में अगर हम पुश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन लोड, और अगर हम किसी भी पॉइंट जॉइंट को पुल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल नेचर लोड, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन ही भूल जाओ जो मैंने बताया, ये सब भी आप इग्नोर करो, ठीक है, वन सेकेंड। नाउ सी, अब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, और सपोज क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, डिफाइन द फोर्स इन ए बी मेंबर, ए बी मेंबर में फोर्स निकालना है, एंड व्हाट इज इट ए बी, ए बी मीन्स द फोर्स एट ए बिकॉज ऑफ बी, ठीक है, या फिर फोर्स एट ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, वो फोर्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सब कुछ, मैं एक सेक्शन ले लूंगा, ये सॉरी, मैं इसको एक सेक्शन ले लूंगा, ये ठीक है, इस सेक्शन में ले लूंगा, इसको अलग कर लूंगा, ये अलग कर लूंगा, और इसमें जो भी मैं फोर्स अज्यूम करूंगा, आई विल फोर्स इन पुलिंग स्टेट, ठीक है, जो भी मैं फोर्स अज्यूम करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा जो भी आपको फोर्स लग रहा है, दैट इज इन टेंसाइल डायरेक्शन, मैंने ये फोर्स अज्यूम कर लिया,
ये ए एट ए इन डायरेक्शन ऑफ डी, ठीक है। अब अगर ये इसका जो मैग्नीट्यूड, लेट सपोज जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है -10 किलो न्यूटन, तो क्या होगा, दिस नेगेटिव मीन्स दैट नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव सेज दैट डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स जब भी नेगेटिव हमारे आंसर में आएगा वो क्या होगा, दैट इज अ कंप्रेशन। कैसा नेचर होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, हम जब भी कुछ पूछेंगे तो हम इसको पुलिंग डायरेक्शन में हम फोर्स अज्यूम करेंगे। अगर वो नेगेटिव आते हैं तो वो कंप्रेशन टाइप के हैं, और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हमें जो अज्यूम किया टेंस है तो टेंसाइल में ही है। आई होप ये चीज क्लियर हो, ठीक है। वी विल टेक दिस इन फर्दर, ओके। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दी मैथड टू सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके। सो इन आवर सिलेबस देर आर टू मैथड्स, फर्स्ट इज द मैथड ऑफ ज्वाइंट, सेकेंड इज द मैथड ऑफ सेक्शन, ओके। इन मैथड ऑफ ज्वाइंट वॉट विल डू, वी विल कंसिडर लेट सपोज दिस इज थ्रस्ट, दिस इज ज्वाइंट्स, ओके, दिस वन इज द रोलर सपोर्ट, दिस इज हिंज सपोर्ट, ओके, इट्स स्पिनिंग ए बी सी, ठीक। सो इन दिस मेथड ऑफ ज्वाइंट व्हाट विल डू, वी विल कंसिडर अ सिंगल ज्वाइंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई भी ज्वाइंट हम कंसिडर करेंगे और वो हम ये मानेंगे वो ज्वाइंट कैसा है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, राइट, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर मेथड ऑफ सेक्शन की बात करेंगे तो हम कोई भी सेक्शन ले लेंगे, हमने कोई भी सेक्शन ले लिया, एक कट कर लिया, ये अलग कर लिया, राइट। अब मैं इसको लाइक इसको कट कर ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो गया, सेक्शन हो गए, दो अलग अलग हो गए, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैथड ऑफ सेक्शन में हम मानेंगे कि आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन कैसा है इक्विलिब्रियम स्टेट में, और ये पूरा का पूरा सेक्शन ये कैसा इक्विलिब्रियम स्टेट में, हम ये मानेंगे, राइट। सो ये दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स की अलग अलग एडवांटेज है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हम ये देखेंगे कौन सा मेथड कहाँ पे कौन सा सुटेबल रहेगा वो भी हमें देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ जॉइंट। सो फर्स्ट मेथड ऑफ जॉइंट, ओके। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सिंपल, द वी विल कंसिडर इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट, ठीक है, इसमें हम इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट कंसिडर करेंगे। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, सिंपल, बहुत सिंपल है। लेट्स टेक मी वन क्वेश्चन हेयर, लेट सपोज वी हैव गिवन दिस क्वेश्चन, ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हमें वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस, ओके, एट सपोर्ट। हमने रिएक्शंस निकालनी पड़ेगी, सपोर्ट निकालनी पड़ेगी, रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। वो क्या होते हैं, ए पॉइंट पे लग रहा होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, एंड सी पॉइंट पे लग रहा होगा verticals. First, we have to calculate this RAV, RAH, and RC. ठीक है, तो first step आपका ये होगा, we have to calculate the reactions at support. Okay, and what is the next? Simple है. जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा है कि what is the force in joint A, B. ठीक है, AB member में कितना आपका force लगा हुआ है? ये पूछा है आपने आपसे. तो क्या करोगे आप ए जॉइंट को कंसिडर कर लोगे, यू विल कंसिडर द ए जॉइंट, बाकी सब भूल जाओगे, ए जॉइंट कंसिडर कर लोगे, आपने सपोर्ट्स निकाल दिए, रेशन ले लिए, आपको बस अब ये पकड़ना है, ओके, एंड यू विल अज्यूम एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहां से ये फोर्स टेंसाइल में निकला, दैट इज ए बी, यहां से ये फोर्स टेंसाइल में निकला, दैट इज ए बी, ठीक है, आपने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, आपने इसको अलग से, सॉरी, आपने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इस पर क्या किया, इक्विलिब्रियम मान के इसको, इस पर क्या किया, इसमें हमने इन एक्स डायरेक्शन यानी इन हॉरिजॉन्टल में जीरो कर दिया और सारे फोर्सेस इन वर्टिकल में जीरो कर दिए। ये सेकेंड स्टेप है, इतना ही करना है, इतने में काम हो जाएगा, ओके, इतना ही करना, इतने में हमारा काम हो जाएगा, क्लियर।
फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रिएक्शन, सेकेंड हमें कंसिडर द इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर अननोन मेंबर्स आर मीटिंग, अननोन मेंबर जो मीट कर रहे थे जो मैं निकालना था, एंड यूज समेशन ऑफ द फोर्सेस इन एक्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू जीरो, इतना ही करना है हमें एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो बस बताया बताया ठीक है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे रिएक्शन, आप खुद से करियो, मैं कर दूं यहाँ पे। ओके वी विल फर्स्ट सेट द वर्टिकल फोर्स जीरो, वर्टिकल फोर्स फर्स्ट इन एफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, एंड वी विल टेक द मोमेंटम, आई विल कंसीडर मोमेंटम एट, ओके देन आई विल टेक द मोमेंट एट ए जीरो, इट इज गॉन कुछ नहीं होगा, देन वी राइट द इक्वेशन फॉर मोमेंट एंड इनटू, लेट्स कंसीडर दिस इज यस ऑल द AC is also equals to L, right? So this is L by 2. AD is L by 2. Okay. This turns the clockwise. I'll take it as negative. Clockwise. I'll take it as RC into L equals to 0. RC. L say L cancel. RC become 5 Newton. Okay. If RC is 5, then RAV is Newton. Right? Clear? So, हमने अब तक क्या किया? We have calculated the reactions. क्या क्या निकल गई? Reactions RC. RC is come out to be 5 and RAV is come out to be 5. और ये आपका 0 आया था. ठीक है? So let's erase all this and move further. ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए. Okay. Now, what we have to do? We have to find the force in BD member. BD member में कितना force हमें ये निकालना है. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? We'll consider this joint. Consider कर लूँगा मैं इस joint को. ठीक है. एज्यूम कर लिया राइट. ओके व्हाट इज द फोर्स, दिस फोर्स, दिस इज द फोर्स डी टू बी. ठीक है, डी टू बी है राइट. दिस फोर्स इज डी ए बिकॉज फोर्स एट D in the direction of A, this force is DC, force at D in the direction of C. ओके okay, ये हमने बना लिया और सारे के सारे हमने क्या माने हैं, एंगल माने हैं. ठीक है, ओके सो इसी जगह इसी फोर्स पे क्या अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम करोगे आप? यू विल अज्यूम दैट समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो. ये आपको अज्यूम करके मतलब इसको मानना, बिकॉज वी हैव टू टेक दिस जॉइंट डी एज इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो बहुत इजीली आप यहां से निकाल पा रहे हो, यहां से इजीली आप निकाल पा रहे हो दैट द फोर्स बी डी, क्योंकि वर्टिकल में एक ही रिएक्शन है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया. तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया राइट. एंड
और ये आपसे पूछा था, ये आपसे पूछा था। तो ट्रेडिशनली वे ऑफ डूइंग दिस ये होगा, ठीक है। सो वी कैन डू दिस डायरेक्टली ऑल्सो, फॉर दिस विल टेक सम पॉइंट्स। ओके लेट्स मूव टू द पॉइंट्स। सो फर्स्ट पॉइंट इज, लेट्स सी दिस पॉइंट केयरफुली। द फर्स्ट पॉइंट इज इफ द मेंबर पुल्स अ जॉइंट देन द मेंबर इटसेल्फ बी इन द टेंशन, सॉरी टेंशन द सेम मैग्नीट्यूड, राइट। सपोज आपने अभी यही पढ़ा था, एग्जाम्पल पढ़ा था ये वाला, जिसमें हमने ये देखा था कि ये आपका ए था, बी एंड सी, हमने ये देखा था कि यहाँ पे एक लोड था पी, ठीक है। हमने देखा था कि ये आपका जो मेंबर है वो कैसा लोड दे रहा है, कंप्रेसिव लोड दे रहा है, ठीक है, इस जॉइंट पे, इस जॉइंट पे कैसा लोड दे रहा है, कंप्रेसिव लोड दे रहा है, ठीक है। तो वॉट इज द सेकेंड पॉइंट से इज दैट सिंपल है, वो सेम है। इफ द मेंबर पुल अ जॉइंट, सॉरी इस लोड नॉट पुल, इट्स पुश, pushes the joint. If a member pushes a joint, then the member itself will be in the compression with the same magnitude. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी मेंबर जॉइंट को पुश कर रहा है तो उस पूरे मेंबर में क्या पड़ेगा, सेम कंप्रेशन पड़ेगा विद सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर पुश कर रहा है तो उस पूरे मेंबर में कंप्रेशन पड़ेगा विद सेम मैग्नीट्यूड, राइट। सेम अब जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, अब हमने ये देखा था कि जो सी पॉइंट है, जो सी सी पॉइंट है आगे मूव कर रहा है तो पूरे मेंबर को आगे खींच रहा है, तो मेंबर मेंबर ये पूरा एसी मेंबर है, ये आपका टेंसाइल लोड लोड दे रहा है इस जॉइंट पर, तो इस पूरे एसी मेंबर पे कैसा लोड पड़ेगा, टेंसाइल लोड पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस इफ अ मेंबर पुल अ जॉइंट देन द मेंबर इटसेल्फ विल बी इन द टेंशन विद द सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ये बात हम सिर्फ ज्वाइंट की कर रहे हैं अभी। ओके, इसमें से दो बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने ये बताया था कि किसी भी ज्वाइंट पर अगर आपको पुल हो रहा है, पुल तो ये आपको कैसा है, टेंशन है, और किसी भी पॉइंट को अगर हम पुश कर रहे हैं तो वो कैसा है, कंप्रेशन है, ठीक है। और हम अगर ज्वाइंट को कर रहे हैं तो मेंबर्स भी आपको उसी उसी नेचर के होंगे, मेंबर्स में भी लोड होगा उसी नेचर का होगा, ठीक है। लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इफ एट अ जॉइंट थ्री मेंबर्स आर मीटिंग, किसी भी जॉइंट पर आपके तीन मेंबर मीट कर रहे हैं, ठीक है, एनी टू आर कोलिनियर, हमने गलत बनाया, कोई भी दो मेंबर कोलिनियर है, ठीक है, एनी टू मेंबर आर कोलिनियर, देन द फोर्स इन थर्ड मेंबर विल बी जीरो। क्या बोलना चाह रहा है, आपका ये जॉइंट मान लो ए है, ठीक है, ये जॉइंट ए है और इसमें से कोई भी दो मेंबर, लेट्स सपोज ये बी है ये सी है, तो बी ए बी एंड जो ए सी है ये मेंबर कैसे है, कोलिनियर है, इज आर कोलिनियर। द थर्ड फोर्स, थर्ड फोर्स क्या है, थर्ड थर्ड मेंबर में जो फोर्स है ये डी है, तो ए डी क्या है, जो ए डी में जो फोर्स होगा विल बी डेट विल बी जीरो, फोर्स इन ए डी विल बी जीरो। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो भी जॉइंट की हम बात कर रहे हैं इस जॉइंट पर इफ देयर इज नो लोड और नो रिएक्शन, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर कोई भी लोड नहीं होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द कंडीशन इज इफ देयर इज नो लोड नो रिएक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर कोई भी रिएक्शन कोई भी लोड नहीं होगा। अगर ऐसा है और दो मेंबर आप कोलिनियर हैं तो थर्ड मेंबर में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। ये चीज हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में, इसमें हमें क्या देखा, ये आपका मेंबर था, ठीक है, इसमें दो फोर्स कैसे हैं, कोलिनियर है, ये जॉइंट डी है, इस जॉइंट में दो फोर्स कैसे हैं, कोलिनियर है, ये डी है, डी ए एंड डी सी, और ये आपका थर्ड फोर्स है विच इज बी डी, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, कोई भी लोड नहीं था डायरेक्ट, ठीक है। डेट मीन्स यानी इस मेंबर पे कोई भी लोड होगा ही नहीं, ये हमारा पॉइंट बोलता है, ये थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है। आई होप यू समझ में आया होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लेट्स मूव टू सी द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट सेज दैट
इफ एट अ जॉइंट टू मेंबर्स आर मीटिंग एंड दे आर कोलीनियर, दो मेंबर मीट कर रहे हैं एंड दे आर कोलीनियर, देन द फोर्सेस इन बोथ द मेंबर्स विल बी जीरो। और ये कब होगा? ये जब होगा जब उस पॉइंट पर कोई भी लोड नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। क्लियर? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक जॉइंट है, उस जॉइंट पर कोई भी फोर्स लग रहे हैं और वो फोर्स कैसे हैं? कोलिनियर है भाई, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फोर्सेस हैं वो कोलिनियर है, लीनियर नहीं है। दो फोर्स कैसे हैं? वो कोलिनियर है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये फोर्स होगा ए बी, ये फोर्स होगा ए सी, राइट? लेट मी टेक दिस फोर्स हियर, आई होप। ओके, क्लियर? और ये दोनों कोलिनियर है, और इस पॉइंट पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी इस पॉइंट पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, देन दीज टू आर टू बी जीरो, बिकॉज 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 दिस ए जॉइंट इज टू बी हेल्ड इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। अगर इसको इक्विलिब्रियम पोजिशन पे होना पड़ेगा, सो दीज टू फोर्सेस हैज टू बी जीरो। और अगर ये कोलिनियर होते तो ये इक्वल एंड अपोजिट की तरफ रोल दे देते, तो इट मे हैव द फोर्स, इट मे हैव द फोर्स, कर सकते थे, इसमें फोर्स हो सकता था। बट अगर ये नॉन नॉन कोलिनियर है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट दीज आर जीरो फोर्सेस, राइट? ओके ओके, नाउ मूव टू द प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम दिस इज थ्रस्ट गिवन, और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द मेंबर सेम इन बीडी मेंबर, फोर्स निकालना है इन बीडी मेंबर, वेयर द पी लोड इज गिवन 10 kN। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनली भी कर सकते हो, और जो मैंने अभी नोट्स पढ़ाए उससे भी कर सकते हो, ठीक है? अब इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां पे लोड क्या लगा था? ऊपर लग रहा था, तो हमें डायरेक्टली देखा कि भाई यहाँ पे कोई लोड नहीं है, इसी पूछा है तो पकड़ लिया उस पॉइंट को, उस पर लगा लिया, तो वो जीरो आ गया था। बट अब क्या हो रहा है, उसको हम अब इसको भी ऐसे नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? अब अगर हमें ये पॉइंट लिया तो डायरेक्टली जीरो नहीं बोल पाएंगे। वाई? बिकॉज इसी पॉइंट पे अब डायरेक्ट लोड पी लग गया, तो वी कैन नॉट से दैट दिस दिस मेंबर हैविंग द जीरो फोर्स, ठीक है? बट हाँ, हमें फोर्स निकालना है इस पे, तो हम इसी पॉइंट को अज्यूम करेंगे। क्लियर? तो आप रिएक्शन निकाल लेना इस पॉइंट के लिए, एंड यू विल सी द रिएक्शन, रिएक्शंस जो आपको मिलेंगी यहां पर वो भी सेम मिल रही हैं। यहाँ पे आर ए वी आपको 5 kN मिलेगा, एंड आर सी वी आपको 5 kN मिलेगा, एंड यू विल सॉल्व दिस, मतलब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, एंड यू विल फाइंड दैट दो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एट ए, यू विल फाइंड दिस कम आउट टू बी जीरो, ठीक है? ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, ये कर भी चुके हैं। ओके, सो आई दिस पॉइंट, आई दिस पिक, जस्ट पिक दिस पॉइंट पी, सॉरी डी पॉइंट मैं पिक कर लेगा, ठीक राइट? मैं डी पॉइंट पिक कर लिया, एंड आई अज्यूम कि जो ये फोर्स होगा बी डी, दिस विल बी डी सी, दिस विल बी डी ए, ठीक है? एंड दिस इज द फोर्स इन बी डी नंबर जो हमसे पूछा गया है। व्हाट आई डू, सिंपली मैंने रिएक्शन निकाल दी, पहला स्टेप मेरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या था? उस पॉइंट को पकड़ना है, उस पॉइंट को क्या करना है? वर्टिकल फोर्स इज जीरो एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो, वर्टिकल फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस उसके जीरो करना है, ठीक है? आई विल डू द फर्स्ट, मैंने वर्टिकल फोर्स जीरो किए तो क्या आ गया मेरे पास? फोर्स बी डी माइनस पी, बिकॉज ये नेगेटिव है, मैं इक्वल जीरो, सो बी डी फोर्स बी डी इक्वल्स टू पी, आई गॉट दिस। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? वैल्यू ऑफ पी इज 10 kN,
I got the answer. Time to know. Simply solve the gap. Clear? And अगर आपसे क्वेश्चन पूछा होता ये भी निकालने के लिए सिंपल क्या करोगे आप हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो किया आपने क्या निकल गया फोर्स डी ए माइनस दिस प्लस इक्वल्स टू डी सी और सपोज आपको क्वेश्चन में पूछा गया होता ये आपको फोर्स निकालना होता इन ए बी मेंबर तो आप क्या करते आप पकड़ते पॉइंट ए आप क्या करते पॉइंट ए को पकड़ लेते ठीक है एंड यू विल रीड्रॉ दिस ए को रीड्रॉ करते यहां पे ठीक है फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका उसको फोर्सेस मानते हैं ये होता ए बी ये होता ए डी ठीक है इस पे जो रिएक्शन था वो रिएक्शन लगाते ये रिएक्शन था आर ए बी क्योंकि आपका 5 किलोन्यूटन था आपने कैलकुलेट किया ठीक है देन वी विल डू द सेम हॉरिजॉन्टल ऑफ सॉरी वर्टिकल फोर्स जीरो हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो पे करते हैं ठीक है आपका जो इसमें जो ए बी मेंबर है मेंबर ए बी है इसका एक आपको कंपोनेंट लेने पड़ते हैं एक तो वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल से ये बैलेंस करते तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट 5 आया था और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ए डी के बुलाया था ठीक है इस तरह से आप कर लेते अगर पूछे तो ठीक है लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इसमें आपको सेम आपको क्या निकालना है फोर्स इन बीडी मेंबर इज दिस ठीक है सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ सी दिस क्वेश्चन ट्रेडिशनली अगर मैं इस क्वेश्चन करूं अगर ये मेरे एग्जाम में आता है तो मैं इसमें रिएक्शन निकालूंगा इस पॉइंट पर ठीक है इसको बोलूंगा आर ए वी इसको बोलूंगा आर ए एच इसको बोलूंगा आर सी मैं ये रिएक्शन निकालूंगा ट्रेडिशनली अगर मेरे को सॉल्व करना होता बट इफ आई एम डूइंग सम कॉम्पिटिशन एग्जाम जो कि आप कर सकते हो आप रिएक्शन निकाल सकते हो ठीक है अगर मैं इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम के तौर पर देखूंगा करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि क्या वाकई में रिक्वायरमेंट है ये रिएक्शन निकालने की या जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे फोर पॉइंट्स पढ़े थे उसमें से एक पॉइंट लग के काम हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स इन बी डी ठीक है फोर्स बी डी में हमें निकालना है और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं मैं इस पॉइंट को ले लूं ओके मैं इस पॉइंट को ले लूं और Let's just draw this. This is force B, sorry, DB. This is force DA. This is force DC. और मैं इसमें आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वल करूं तो वो देखो यहाँ पे P हमें दे रखा है tan और उसी के वर्टिकल कंपोनेंट इसका P के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली हमें BD मिल सकता है यहाँ पे दिख गया मेरे को और मुझे देख के ही मिल गया था तो मैं अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा हूं तो मैं यहां पे रिएक्शन निकाल के सीधे इस पॉइंट पे पिक करूंगा और यहां देखूंगा कि ये सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं पर और पिक करते ही मालूम पड़ गया कि ये सॉल्व हो जाएगा सो लेट डू दिस क्वेश्चन फर्दर क्या करना पड़ेगा मुझे इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे इसके एफ डी के ठीक है मैंने इसको बोल दिया भाई दिस फोर्स इज एफ डी बी साइन 60 ठीक है और इसके कॉन्ट्री ये वाला जो फोर्स है दिस वन आई टेक दिस फोर्स वो क्या होगा डी बी कॉस 60 राइट एस दिस इज फोर्स एफ डी बी ठीक है कंपोनेंट बना लिए अब जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है मेरा
वर्टिकल जीरो, वर्टिकल में आ रहा है इसलिए पहले मैंने ये ले लिया। ठीक है, वर्टिकल में क्या है, माइनस पी है प्लस हाफ डी बी साइन 6t इक्वल्स टू जीरो। यहां से डायरेक्ट मेरे को आंसर मिल जाएगा। राइट, ट्रेडिशनली तो मैं आपको बताया, मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन निकाल के ये सब करता, बट वो मैं तभी करता जब मैं कोई एग्जाम दे रहा होता, लाइक बीटेक का कोई एग्जाम होता तो। बट कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो फिर मैं इतना नहीं करूंगा, सिर्फ मेरे को दिख गया पॉइंट है तो मैंने पॉइंट पकड़ के उसको काम कर लिया। राइट, लाइक दिस यू कैन डू। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दी फोर्स इन एसी मेंबर। ओके, इन दिस एसी मेंबर जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक, कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग द रिएक्शन एज वी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो द आंसर इज वी कैन सॉल्व this question without solving the reaction, but we will see it later. Okay, we will solve this by doing the calculate the reaction, and further we will see the how we will calculate this without the doing without calculating reaction. Okay, so let's go with the traditional method. First find the reaction, that is R, it is vertical, R a vertical, and I consider this as R, sorry, R A horizontal, and this one is vertical R C. Okay, just applied the for the calculation of reaction. Horizontal force zero. Horizontal force zero says that R A H zero. Vertical force zero. Vertical force says that R A V plus R C equals to 20 kilo Newton. Then go for the moment, summation of moment. I'll take the point A. ठीक है, point A पे किया, so just calculate this. First zero, ये zero हो जाएगा. Then calculate the momentum, sorry moment because of this 20. So you will find 20 into because they, यहाँ पे angle given है. So ठीक है, तो अगर मैं इसको divide करता हूँ, तो यहाँ पे जो ये length आएगी, this length. This length will be AB, member AB, and its cos component. Okay, so AB cos 60, right? Then, ha, ये जो direction देगा at point A, that will be clockwise. So I'll assume this negative. Then from because of the RC, it will anticlockwise. I'll take this positive. So RC into distance is AC. AC equals to zero. So from here, I got AC, and this is AC, AC. Okay. So from this, I find this RC. RC equals to 20 AB upon AC into cos 60. Right. So as we know. Yes, this is the right angle triangle because ये आपका 90 degree angle है, right angle triangle है. यहाँ से अगर मैं cos 60 निकालता हूँ, right, cos 60, तो क्या होगा, this base AB upon hypotenuse AC. ठीक है, so AB upon AC is 60, cos 60, तो ये क्या होगा, 20 into cos 60 का square, the value of cos 60 is half. So it's 1/4. You got the 5 newton as the value of RC. I am doing this quick because हमें आगे बढ़ना, ठीक है, reactions पे ही ना अटके रहेंगे. ठीक है, तो ये आपने reactions निकाल ली, right? ये आपने reactions निकाल ली. Let's write the reactions. RC is 5. अच्छा, आर ए बी कितना होगा,
बिकॉज 20 दे रखा है, तो 5 माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा, और ये आपका 0 आया है, राइट? क्लियर? इतना क्लियर? आई होप ये आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। ठीक है, लेट्स इरेज। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू फर्दर, क्या करना है आपको आगे? ठीक है, तो आप कोई पॉइंट ले सकते हो, आप पॉइंट सी ले लो, बिकॉज मेरे को क्या निकालना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे को रिएक्शन फोर्स निकालना है ए बी में, ए बी में मुझे रिएक्शन निकालना है, सॉरी ए सी में, ए सी में मुझे रिएक्शन वो निकालना है, फोर्स निकालना है, तो मुझे या तो पॉइंट सी लेना पड़ेगा या फिर मुझे पॉइंट ए लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट कोई भी ले लो, मैं पॉइंट ए ले ले रहा हूँ, चलो मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, तो इस पे जो रिएक्शन लग रही थी वो अप्लाई कर देते हैं, एक सेकेंड, दैट रिएक्शन ए इज आर वी, बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन थी वो जीरो हो चुकी, तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। ठीक है, तो वन थिंग हियर, देखो आवर पर्पस इज टू अप्लाई द लेमनीज एट ए, लेमनीज थ्योरम, एंड व्हाट लैमिनिस थ्योरम, लैमिनिस थ्योरम कहां अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर किसी भी पॉइंट पर या तो सारे फोर्स आते हुए हो या तो सारे फोर्स जाते हुए हो। ठीक है, आइदर द फोर्स आर कन्वर्जिंग और द फोर्स आर डाइवर्जिंग। ठीक है, उस चीज को देखते हुए यहां पर जो मैं फोर्सेस की डायरेक्शन लूंगा इन दी मेंबर्स, ठीक है, बिकॉज देखो ये कैसा डायरेक्शन है, अभी अभी देखो हमने ये पढ़ा था, किसी भी जॉइंट पर अगर पुलिंग हो रही है तो वो क्या है, ये पुलिंग है, तो वो क्या है, टेंसाइल, राइट? और किसी भी मेंबर पे जो ये फोर्स पड़ रहा है ये कैसा है, पुशिंग है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, कंप्रेशन फोर्स हो गया, राइट? ये हम देख चुके हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन पड़ रहा है ये कौन सा नेचर है, ये कंप्रेशन नेचर है, पुश कर रहा है ये। ठीक है, और हमें क्या लगाना है, हमें लगा नहीं लैमिनीज, ये आप कौन सा फोर्स देगा, आपका फोर्स देगा कन्वर्जिंग, तो लैमिनीज के लिए लगाने के लिए हमें यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हैं उनको अज्यूम करना पड़ेगा, दैट दिस फोर्स इज गोइंग टुवर्ड्स द ए, ए बी एंड दिस शुड बी ए सी, ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाय नेचर ये पता है कि जो आंसर आएगा वो कंप्रेशन होगा, अगर वो आंसर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, वो टेंसल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जस्ट टू इन ऑर्डर टू अप्लाई लैमनीज हम ये कर रहे हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको फोर्स में ब्रेक कर लो, आप निकाल लो आंसर, ए बी को ब्रेक कर लो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, आप निकाल लो आंसर, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा अलग करने के लिए, बिकॉज कुछ मेथड नए सीखने चाहिए भाई, कहीं कौन सा मेथड लग जाए, इसलिए हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? वन कैन डू द, इसको ब्रेक कर लो ए बी को कंपोनेंट्स में, इस वाले कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। ठीक है, बट मैं थोड़ा कुछ अलग सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं लैमिनेट लगा रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो आई हैव कंसिडर द फोर्स इन कंप्रेशन, सो अब क्या स्टेट हो गई, कोई एक पॉइंट है जिस पर एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, देखो हमने कंसिडर कर ली है, अब इसका इसको मैं गलत इंटरप्रेट मत कर लेना कि सर ये तो आपका टेंसाइल हो गया, नहीं वो हमने यहां माना है, ये हम अब जॉइंट, अब एक सिंपल पॉइंट पकड़ रहे हैं, एक फोर्स है इस डायरेक्शन में और एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये मुझे एंगल दिखाने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको यहां पे इस तरह से बना बता रहा हूं। ओके, दिस इज एफ ए बी, दिस इज एफ ए सी एंड दिस इज ठीक है, डोंट कंफ्यूज, ये एंगल हम ये एंगल 90 डिग्री है, बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये राइट ए बी एंड ए सी के बीच में 90 डिग्री है, तो ए बी एंड ए सी सॉरी 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ये होगा, राइट? 90 प्लस 60, उसके बाद जो ये पूरा एंगल बचा ये कितना हो जाएगा, 90 60 150, 150 माइनस 360 ये हो जाएगा आपका 209 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब नाउ अप्लाई लैमिनिस थ्योरम, लैमिनिस थ्योरम बोलता है कि जो फोर्स है डिवाइड बाय द साइन कंपोनेंट
द एंगल बिटवीन द अपोजिट टू फोर्सेज, ये आपका आरवी के लिए निकाल रहा हूं, तो एंगल बिटवीन द अपोजिट टू फोर्सेज 60, तो 60 आएगा ये, राइट। दिस विल इक्वल टू द फोर्स, अदर फोर्स जो मुझे निकालना है, मुझे यहां पर कौन सा निकालना है, एसी निकालना है, मैं कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ है, ये हमारा है एसी, ये हमारा है एबी, ओके। तो फोर्स हमें एसी निकाला, तो एसी लेते, डायरेक्ट लेते हैं एसी अपॉन द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, दैट मीन्स द साइन ऑफ 210, क्लियर। आर भी हमने कैलकुलेट किया था, इट इज 15 डिवाइड बाय रूट 3 बाय 2। अब देखो ये कितना हो गया, 180 माइनस 30, सॉरी प्लस 30, तो एफ ए सी क्या निकल के आएगा, 15 √3 × 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन 180 प्लस 30 ये क्या होता है, थर्ड क्वार्टर में चला गया, तो माइनस माइनस साइन 30, ठीक है। तो आपका एफ ए सी क्या आ गया, माइनस एंड साइन 30 इज 1/2 कैंसिल, 15 √3। अब देखो हमने डायरेक्शन क्या ली थी एसी की, इस डायरेक्शन में, डेट मीन्स वो उसका नीचे क्या था, कंप्रेसिव, अब वो नेगेटिव आ गया, डेट मीन्स द आंसर विच वी आर गेटिंग ए सी, यहां पे क्या था, कंप्रेशन था और वो नेगेटिव आया, कंप्रेशन नेगेटिव आया, डेट मीन्स आंसर इसका होगा 15 √3 kN, नेगेटिव है कंप्रेशन, तो ये क्या होगा, टेंसर, क्लियर। आपको वहां पे ऑप्शंस भी गिवन हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शंस भी गिवन हो सकते हैं, इट्स रूट 15 √3 kN टेंसाइल, 15 √3 kN कंप्रेशन, ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना होगा, क्लियर है। तो दिस इज द पर्पस, ओके। अब बात हुई थी कि सर ये बिना उसके कैसे सॉल्व होगा, रेशियो निकाले, सिंपल, आपको पहले अगर इसको सॉल्व करना था आपको, तो आपको पहले पॉइंट बी पे लेमिंग्स लगाओ, पॉइंट बी पे लेमिंग्स लगाओ, पॉइंट बी पकड़ लो, पॉइंट ये 20 N है, लेमिंग्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंप्रेशन लोड्स लेने पड़ेंगे, ये होगा फोर्स बी ए, ये होगा फोर्स बी सी, राइट, कंप्रेशन अज्यूम करने पड़ेंगे, लेमिंग्स लगाओ, आपको सारे एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आप निकाल लोगे, ये एंगल आ जाएगा आपका 90 + 30, 90 + 30 इज 120, और ये आ जाएगा 150, एंगल पता है आपको, यहाँ पे लेमिंग्स निकल जाएगी, यहाँ से आप ए बी निकाल लो, ठीक, वंस यू नो ए बी, आप दोबारा से लेमिंग्स किस पे लगा दो, ए पे लगा दो या सी पे लगा दो, अभी हमने ए पे लगा दिया तो आप सी पे लगा के देख लेते हैं, सी पे लगाने पर क्या मिला हमें, हमने सी पॉइंट ले लिया, सी पॉइंट पर कौन कौन से फोर्सेज हैं, एक तो मान लिया हमने कंप्रेशन इसका, ठीक है, बीसी ले लिया, यहां से बीसी निकाल लो, बीसी ले लिया, ठीक है, बीसी एक रेशन पड़ रही है ऊपर की तरफ आरसी, और एक ये फोर्स ले लो, लैमिनेट्स बोलती है कि आपको सबरे कन्वर्जन डाइवर्जेंट लेने, तो यहां ठीक है, इसको भी कंप्रेशन मान लो, तो ये फोर्स हो गया सी ए, ठीक है, यहां से सी ए निकाल लो, क्योंकि आपको ये पता है, आप ये निकाल सकते हो, आपको सारे एंगल पता है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये माइनस करोगे तो ये आपका बनना 90 माइनस, हाँ ये आपका 210 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, करके देखना, करके देखना, अगर नहीं होता है तो लेट मी नो, आई विल मेक दिस अंडरस्टैंड, ओके। सो दैट्स इट, वी हैव टू डू मोर क्वेश्चंस, सो वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, ओके, थैंक यू, गुड बाय।